मेरे दोस्त, अगर जीवन में सुकून चाहते हो तो आप फोकस अपने काम पे करो, लोगों की बातों पे नहीं। ठीक इसी प्रकार आज हम बात करने वाले हैं योगी योगेंद्र के बारे में, जिसे आप सभी लोग टेक्निकल योगी के नाम से जानते हो, जिसे लोगों ने कहा कि तेरी औकात का नहीं है, जिसे लोगों ने कहा यह तेरे बस का नहीं है। जो बंदा खुद कभी यूट्यूब का नाम नहीं सुना था, जो बंदा खुद कभी यूट्यूब का लोगो तक नहीं देखा था, वो बंदा अपनी कड़ी मेहनत से, अपने दम पे आज यूट्यूब पे 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर बनाए। आज वो बंदा यूट्यूब पे लाखों लोगों को यूट्यूब की ट्रिक्स बताता है। आज वही बंदा यूट्यूब पे लाखों लोगों का इंस्पिरेशन बना हुआ है। तो चलिए आज बात करते हैं इन्हीं के बारे में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हो तो मेरे दोस्त, यह चैनल भी नया है और मैं भी नया हूं, लेकिन एक बात की गारंटी रखता हूं कि जिस चीज के लिए आप इस चैनल पर आओगे वो आपको 100% मिलेगा। तो मेरे दोस्त चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो राजस्थान की धरती से हैं योगी योगेंद्र, जिन्हें आप सभी लोग टेक्निकल योगी के नाम से जानते हैं। मेरे दोस्त, इनके जिंदगी में सबसे दुख की बात यह थी कि इनके बचपन में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। अब घर कोई चलाने वाला नहीं था। अब इनके घर की हालत इतनी खराब हो गई थी मानो कोई टूटी झोपड़ी हो। इसके बावजूद भी इन्होंने कभी अपनी गरीबी का अपना कमजोरी नहीं बताया, कभी अपनी गरीबी दिखाकर लोगों की सहानुभूति नहीं ली। अपने दम पर मेहनत किया, संघर्ष किया अपनी जिंदगी से। मेरे दोस्त, किसी ने क्या खूब कहा है कि मेहनत अगर आदत बन जाए तो सफलता आपका मुकद्दर बन जाती है। अगर बात करें इनके बचपन के बारे में तो इनका बचपन से ही टेक्निकल चीजों में इंटरेस्ट था। इसके बावजूद भी इन्होंने एजुकेशन किया आर्ट से, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक से डिप्लोमा किया और थ्योरी की पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद इन्हें प्रैक्टिकल में एक करंट का झटका लगा, जिस वजह से इन्हें अपनी डिप्लोमा की पढ़ाई छोड़नी पड़ी। इस वजह से इन्होंने अपने डिप्लोमा की डिग्री खो दिया, लेकिन मेरे दोस्त अपना हिम्मत कभी नहीं खोया। इसके बाद इन्होंने जर्नलिस्ट की पढ़ाई किया और बहुत ही कम सैलरी में एक टीवी चैनल के लिए विदाउट एंकर के रूप में काम किया। लेकिन मेरे दोस्त, कुछ दिन बाद उन्हें वहां से भी फेलियर मिला। इसके बाद इन्हें जिंदगी में एक के बाद फेलियर मिलता गया, लेकिन मेरे दोस्त इन्होंने कभी हार नहीं माना। इसी दौरान इन्हें यूट्यूब के बारे में पता चला। अब इन्होंने कभी यूट्यूब का चेहरा तक नहीं देखा था, यूट्यूब का लोगो तक नहीं देखा था, यूट्यूब की चिड़िया का नाम है इन्हें यह तक नहीं पता था। इसके बावजूद इन्होंने 22 दिसंबर 2016 को अपना चैनल बनाया और एक सस्ते मोबाइल रेडमी नोट 3 से इन्होंने अपने चैनल के लिए 15 महीने उसी मोबाइल से वीडियो बनाते गए, लेकिन वीडियो ज्यादा चली नहीं। लेकिन कभी इन्होंने हार नहीं माना। लेकिन एक समय ऐसा आया कि इन्होंने यह वीडियो बनाया कि बाहुबली को कैसे डाउनलोड किया जाए। यह वीडियो वायरल हो गया, उस पर लोगों का प्यार मिला और देखते देखते इनका मेहनत रंग लाया और आज इनके चैनल पर 1 मिलियन से भी ज्यादा सब्सक्राइबर हैं। आज ये खुद यूट्यूब के बारे में लाखों लोगों को टिप्स बताते हैं। मेरे दोस्त, यहां कई लोग ऐसे हैं जो कहते हैं मुझे ये नहीं आता, मुझे वो नहीं आता। मेरे दोस्त, उन्हें इनसे सीखना चाहिए। और एक बात याद रखना, कोई भी बंदा कुछ भी चीज अपने माँ के पेट से सीख के नहीं आता। वो जो कुछ भी सीखता है यही सीखता है, संघर्ष करके सीखता है। जिस टेक्निकल योगी को थंबनेल बनाना नहीं आता था, वीडियो एडिटिंग नहीं आती थी, बिना माइक का, बिना कैमरा का, बिना रूम का वीडियो बनाया और आज यूट्यूब पे सफलता पाई। तो मेरे दोस्त, आप क्यों हैरान हैं? जो लोग यह कहते हैं कि मेरे पास माइक नहीं है, कैमरा नहीं है, लाइट नहीं है, अरे जिन जिन के पास रूम तक नहीं था, मनोज दे को देख लो, टेक्निकल योगी को देख लो, उन्होंने अपनी मेहनत से यहां तक पहुंचा है। तो आपको किस चीज की बहाना है? मेरे दोस्त, बहाने बनाने वाले लोग पूरी जिंदगी बहाने बनाते रहते हैं, लेकिन संघर्ष करने वाले लोग हर वक्त हर घड़ी अपने आप को संघर्ष में झोंक देते हैं। मेरे दोस्त, मैं आपसे केवल एक ही बात कहना चाहूंगा कि लक का तो पता ही नहीं, लेकिन मेहनत करने वालों को अवसर जरूर मिलता है। इसी के साथ मेरे दोस्त, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। अगर मेरे मुंह से कुछ गलत वाणी निकला हो तो मेरे दोस्त, मैं आपसे माफी चाहूंगा। और अगर कुछ भी चीज आपको बुरा लगा तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए थे तो सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक कर देना यार। ठीक है मेरे दोस्त, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।